तुम कहते हैं उसे भगवान कहते हैं। और क्या क्या भगवान ने कि सुधा माता खुली के भाग भक्ति माँ कृष्ण ये गिना भक्ति माँ कृष्ण करीबीन हमें ते रोज लाई करीबीन हमें ते रोज लाई भर पेट खाओ कभी दिन खाई भर पेट खाओ कभी दिन खाई भर पेट खाओ कभी दिन खाई भर पेट खाओ कभी सुधा माँ का खुली गिन भार मेरी भक्ति माँ कृष्ण ये गिना भक्ति माँ कृष्ण ये गिना कृष्ण जी ने सुधा माते कदी माँ बैठाई कृष्ण जी ने सुधा माते कदी माँ बैठाई और बेबे के आंसुओं ने कुतो तें दुलाई बेबे के आंसुओं ने भगतों के पोतली भगतों नदियारी भंडोल के पोतली भगतों नदियारी अरे मुख मुखे करके तूने खयाली रुकी रुकी करके प्रभु ने खयाली करके प्रभु ने खयाली प्रभु उकी झोपड़ी को आज झोपड़ी को सुदामा की झोपड़ी को बड़ी गेल था आज झोपड़ी को बड़ी गेल था आज भक्ति माँ इसलिए ना भगती माँ कृष्ण ये गिना मेरी झोपड़ी को बड़ी गेल था झोपड़ी को बड़ी गेल था मेरी भगती माँ कृष्ण ये गिना मेरी भगती माँ कृष्ण ये गिना मेरी भक्ति माँ कृष्ण ये गिना मेरी भक्ति माँ कृष्ण ये गिना मेरी भक्ति
बोले सुधा माजी महाराज की जय, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उनका नाम लेने से, जिस प्रभु का नाम लेने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। राजन भगवान लोक पावन, वो भगवान मेरे परमात्मा कृष्ण उस ब्राह्मण के पैरों का जल जब धुल रहे हैं ना, बोले रुक्मणी जब तक जल के ले गई तब तक अपने आंखों से जो अश्रु हैं उनकी जिस दशा को देखकर भगवान द्रवित हो गए और अपने अश्रुओं से ही पैर धुल दिए हैं भगवान के, ब्राह्मण के पैर धुल दिए हैं। और रुक्मणी से कहा, रुक्मणी उस जल को, पवित्र जल को अपने सिर पर लगाया है, इस जल को मेरी द्वारिका में जगह जगह छिड़क दे, क्योंकि नभिप्रपातो तक पंकलानि नभेजसास्तनिगर्जितानि स्वाहास्तधाकारिविगर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणितानि। ये देवी, जिस घर में किसी पवित्र ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते हैं ना देवी, वो घर नहीं, वो श्मशान भूमि है। आज मेरी द्वारिका पावन हो गई है और आज द्वारिकाधीश ने मेरे सुदामा को अपने पलंग पर बिठाया और अपने एक बार सारे आभूषण बांध बांध की मालाएं उनके गले में डाल दी हैं। एक बार सुदामा जी सोचते हैं कि कृष्ण इसको वापस तो नहीं लेंगे, अरे इनमें से एक आध माला बेच दूंगा। लोभ आ गया सुदामा के मन में एक बार और भगवान सब भाग गए हैं। बोले एक आज माला भी बेच दूंगा ना तो 10 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। भगवान समझ गए और जब वापस आने लगे ना सुदामा, सुदामा से कहा और रानियों से कहा, रुक्मणी अगर सुदामा के कपड़े धुल गए हो तो वो वापस दे दो, और सारे वस्त्रालंकार जो दिए थे ना वो वापस ले लिए। और वापस जैसे ही लिए, सुदामा सोच रहे हैं, हे द्वारिकाधीश, अरे जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना तब मेरे मुंह से जूठा लेकर खा लेता था, और आज इतनी बड़ी द्वारिका है, द्वारिकाधीश है, और इतना लोग पर मुबारक तुझे तेरी अमीरी, हमें हमें हमारी गरीबी अच्छी। और सुदामा उन्हीं कपड़ों में वापस आ जाते हैं। जब वहां गए थे ना तो पैदल गए थे। सुदामा सोच रहे हैं, हे द्वारिकाधीश, तुझे आज इतना लोभ है, अरे मैं पैदल आया था, इस समय जाते समय ही कह देते कि अब रथ से जा। इस कसौटी को भी सुदामा वापस पार कर गए और कृष्ण उनको छोड़ने आए हैं और पैर पकड़ लिए सुदामा के, सुदामा तुझे वंदन करता हूँ। सुदामा ने कहा, कृष्ण और कुछ नहीं पर तू भगवान है, तू परमात्मा है, इतना जरूर करना, एक काम जरूर करना कि अपने शरीर का ख्याल रखना कृष्ण, क्योंकि तू भारत का उद्धारक है, तू साधुओं के रक्षण करके ले आया है, उनके लिए आया है परमात्मा, अपने शरीर का ख्याल रखना। जैसे ही सुदामा ने ऐसे बोला, मेरे परमात्मा फपक फपक कर रो पड़े और यहां से वापस आए हैं। सुदामा अपने मन में सोच रहे हैं, अरे भगवान ने मुझे इतना आदर दिया, अरे मुझे अपने अंग से लगा दिया, क्वाहं पतित्र पापिया क्व कृष्णस्य निकेतना ब्रह्म बंधुति स्वाहा बाहुभ्याहं परितमितः। मेरे भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं ना, अच्छा ही किया। अरे मेरे प्रभु ने सोचा होगा कि ये निर्धन है, इसके पास कुछ नहीं है, कहीं से अभिमान न हो जाए। अपने मन में सोच रहे हैं कि अजनोयम धनम प्राप्त आद्य उच्चे नमास्मरे
इति कारुणिकम नूनम जदम्मे भूरिना ददा। मेरे प्रभु ने अच्छा किया, मुझे कुछ नहीं दिया। और जैसे ही वापस पहुंचे हैं ना सुदामापुरी के पास, क्या देखते हैं? चकरा गए, सुदामापुरी है कुछ और है। ये कौन सी जगह है? क्या देख रहे हैं सुदामा जी? कि विचित्रोपनोद्यानी कूचक बिजकुलाकुलई तूथुला कुमदाम भोजम अल्लारो तलबारी भी। विचित्र उद्यान, भांति भांति के ऐसा लग रहा है कि सुदामापुरी ने इंद्र का भवन है, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और वहां एक ऊपर कहीं देखते हैं, पहचान नहीं पाया कहाँ आया हूँ। और ऊपर से उनकी पत्नी सुशीला और बच्चे वो आवाज देते हैं, पिताजी ऊपर आओ। सुदामा सोचते हैं किसी के गृहस्थ के घर पर भोजन करने गए होंगे। और जैसे गए हैं ना, सुशीला ने आरती उतारी और जब उनका रूप देखा ना सुदामा जी ने, पूछ लिया, सुशीला ये बता ये सब क्या है? बच्चे बोले तुम्हारे मित्र की कृपा हो गई है। सुदामा जी ने कहा, कृपा ये सब क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है था, और ये सब कैसे हो गया? बोले परमात्मा ने कृपा कर दी। और जैसे ही सुना, खंभे को पकड़ लिया है सुदामा ने। सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं कितना पापात्मा हूं, मैं क्या सोच रहा था और तुमने ये सब क्यों दे दिया? सुदामा खंभे को पकड़कर रो पड़ी। मैं मानता था कि मेरा कष्ट लोभी है, लेकिन उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। फैलाई जिसने आकर झोली तेरे दरबार में, तुझे देखा नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हे प्रभु, तुमने ये सब मुझे क्यों दे दिया? अरे मुझे ये कुछ नहीं चाहिए था, मुझे तो तेरी मित्रता चाहिए थी परमात्मा, तुमने मुझे ये क्यों दिया? तस्येव मे सौहृद सख्यमिति दास्यं पुनर्जन्मनि जन्मभिस्या महानुभावेन गुणालयेन विसज्जदत्तमिपुरसत्संग। मुझे इस सब की आवश्यकता नहीं थी प्रभु, और आज रात भर सुदामा को नींद नहीं आई। मुझे ये सब नहीं चाहिए था परमात्मा। कहीं वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावती, कहीं पग पे पन ही न हती कह ले गजराज उठा दे महावती, भूम कठोर पे रात कटे कोमल सेज पे नींद न आवती, कह दुरे तो नहीं तोरी सवाम कहते के अब दाख सुहावती। कहा मुझे कठोर भूमि पे सोता था, पर आज कोमल भूमि पर भी मुझे नींद नहीं आ रही है परमात्मा, मुझे यह सब नहीं चाहिए था। बोले गरीबी मान और दौलत में समझना कम निगाही है, जहां मिलकर रहे दो दिल वहीं पर बादशाही है। गरीबों से महल अमीरों के महल से बढ़ के टूटे घर का कोना है, खुशी की से मोहब्बत है न चांदी है न सोना है। हे प्रभु, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा सोचते सोचते रात भर नींद नहीं आई है मेरे सुदामा को। और आज बोले प्रभु, मैं तो तेरा ही भजन करता रहूंगा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम, इसके साथ ही आज की कथा को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। तेरी
पालन हारी तुम सब
पर कृपा रखना ओ जगत के पालन हारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी। मैं निकट तुमको जाऊं ओ मोदन मदन मुरारी। मैं निकट तुमको जाऊं ओ मोहन मदन मुरारी। मैं निकट तुमको जाऊं मुरारी। मैं निकट तुमको जाऊं